पैनल के बारे में आपने बहुत कुछ पढ़ा होगा और साथ साथ में मैंने इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो भी बनाया है, लेकिन इससे ज़्यादा अच्छा क्या हो सकता है कि अगर हम मेंडल के इंस्टीट्यूट में ही हों जहाँ पे उन्होंने खुद सारे एक्सपेरिमेंट किए थे और वो म्यूजियम में अभी सजा रखे हैं, दिखा रखे हैं और वहाँ से हम सीखें। सो हियर इट इज़। And this is like Mendel's pedigree कि जैसे Mendel जो है यहाँ पे हैं और उनके father was Anton Mendel and mother was Rosina और ये एक तरह से पूरी mother की pedigree है और ये दूसरी तरह से है ये पूरी father की hierarchy। This was told to me by Marika। मेंडल की अलग अलग वो चीजें हैं कि क्या क्या वो इस्तेमाल किया करते थे, राइट फ्रॉम बैरोमीटर टू माइक्रोस्कोप टू हिज यू नो हिज वॉकिंग स्टिक एवरीथिंग। उनके जो एक्सपेरिमेंट की जो कॉपीज हैं, मतलब जहाँ पे उन्होंने नोट किया है, एवरीथिंग इज हियर एज यू कैन सी। ये मेंडल का चश्मा, फ्रूट ग्रोस टूल फॉर ड्राफ्टिंग एंड ड्रेसिंग ट्रीज, एवरीथिंग। Move to the world of Mendel with this. So here comes the most interesting part. और ये पूरी गैलरी है जिसके अंदर बताया जाता था कि किस तरीके से मेंडल अपना काम करता था। So please come. So this is like for kids. आप यहाँ पे जो है वो कुछ भी ऐसे जमा सकते हो और ये सारे सिलेंडर पार्ट है। फॉर एग्जाम्पल ये ऐसे किया, oops, everything gone. You can collect it from here and you can start putting it back. Okay, so let's do it for this. No. Okay, so like this. Okay, I'm not gonna do it all over things. Come over. और ये जो है वो कैरियोटाइप के हिसाब से है। कैरियोटाइप इज समथिंग विच वी नो कि वो साइंस के हिसाब से लगता है। तो एज यू कैन सी यहाँ पे सबसे बड़ा वाला क्रोमोसोम यहाँ है और ह्यूमन के अंदर चूंकि 23 क्रोमोसोम्स डिप्लॉयड में होते हैं तो इट इज़ लाइक दिस। सो हेयर इट इज XX एंड XY एंड यू कैन सी कि यहाँ पे साइज के हिसाब से क्रोमोसोम डिक्रीज हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल दिस कैन नॉट मैच विद दिस साइज, राइट? सो इस तरीके से यहाँ पे आता है एक और चीज जिसे है कि क्रोमोसोम इन अदर्स, यानी कि आप इससे ये पहचान सकते हैं कि कितने क्रोमोसोम दूसरे में पाए जाते हैं ऑर्गेनिज्म में। फॉर एग्जांपल आप जैसे यहाँ पे देखना है कि ये चींटी के अंदर कितने हैं, तो यहाँ पे लिखा है फीमेल में 2, मेल में 1। इसी तरह से मैं अगर इसे घुमाऊंगा तो यहाँ पे जो साइबेरियन स्टर्जियन है उसमें 520, ऐसे अलग अलग ऑर्गेनिज्म का आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। यहाँ पे चिंपैंजी के 48 हैं, हमारे ऑफ कोर्स 46 हैं और इस तरह से अलग अलग ऑर्गेनिज्म का यहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आपको मिलेंगे। नेक्स्ट, मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, जिसके ऊपर जो है आज भी हमें स्कूल्स में पढ़ाया जाता है। मेंडल्स लॉ ऑफ यूनिफॉर्मिटी, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट एंड यस, हियर कम्स द ब्यूटीफुल फ्लावर ऑफ पी जो मेंडल ने जिस पे काम किया करते थे। सो आपने देखा होगा कि हम कुछ ट्रेड्स के हिसाब से मेंडल ने किया था, हमने पढ़ा था। तो दीज आर द ट्रेड्स विच ही यूज टू एक्सप्लोर। अब यहाँ का आप देख लो कि 60 ट्रेड है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और साइज के हिसाब से इन्होंने ऐसे लगा रखा है डेमो के हिसाब से कि कैसे कैसे वो डोमिनेंस और रिसेसिव डिसाइड किया करते थे। आप देख सकते हो डोमिनेंट रिसेसिव, डोमिनेंट रिसेसिव, डोमिनेंट रिसेसिव, राइट? एंड हियर इज मेंडल की टेबल है, डेस्क है, जिसपे जो भी फ्लावर आता था तो वो क्या करते थे कि ब्रश लेके उसमें से मान लो जो स्टेमिन है जिससे वो पार्ट है, तो मान लो यहाँ से पोलन निकालेंगे, पोलन में यहाँ पे कलेक्ट करेंगे और फिर वो उन्हें वापस आके जो भी एक्सपेरिमेंट करना है, यानी सेल्फ पोलिनेशन करवाना है और उसमें मतलब डोमिनेंट डोमिनेंट का करवाना है या डोमिनेंट रिसेसिव का करवाना है, जो भी उनके दिमाग में प्लान है वो इस तरह से इस टेबल पे बैठ के किया करते थे, इस तरह के सेटअप के साथ में। इसको मैं समझ लेना ये कागज के हैं, एक्चुअल में जो है वो रियल फ्लावर ही होते थे, ये सिर्फ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए।
एंड यहाँ पे जो है आपके लिए कुछ एक्टिविटी की, जैसे मान लीजिए ये ए है, ये बी है, तो आप किस तरह का जो है स्पीशीज एक्सपेक्ट कर रहे हैं। नेचुरल वे में तो आप कर नहीं सकते, लेकिन यू कैन डू इट हेयर कि अगर ए ए मिलेगा तो वापस क्या बनेगा वगैरह, इस तरीके से आपने काफ़ी कुछ किया होगा। एंड राइट समथिंग लाइक दिस। एंड आई कलर कैसे पाते हैं वो भी यहाँ पर बता रखा है कि भाई आपको ब्राउन मिलेगा कि ग्रीन मिलेगा, ब्लू मिलेगा, और एक सिंपल डिपिक्शन के लिए ये भी दे रखा है कि ब्राउन, ब्लू एंड ग्रीन। आप जैसे कॉम्बिनेशन बनाओ, फॉर एग्जाम्पल अगर आप ब्राउन एंड ग्रीन का बना रहे हो तो ये ऐसा बन रहा है। वैसे देखा नहीं है इस तरह का मैंने तो कभी, लेकिन जैसे इसके साथ बनाया है तो नाउ द ग्रीन इज द डोमिनेटिंग वन, राइट। अगर ग्रीन का ग्रीन के साथ होगा तो अगेन ग्रीन, सो समथिंग लाइक दैट यू कैन डू। ओके ओके, यहाँ पे हमने डोमिनेंट रिसेसिव बहुत सारे फिनोटाइप के हिसाब से एलील देखे होंगे, तो देखो यहाँ पे भी दे रखा है कि आपके जो डिम्पल आएंगे कि नहीं आएंगे, ईयर लोब जो है कान आपका फ्री रहेगा कि नहीं, वी शेप आपका मतलब कैसा रहेगा, जीभ कैसी टंग होगी वगैरह, ये सारे डोमिनेंट रिसेसिव के कैरेक्टर हैं जो इन्होंने दे रखे हैं। ऑफ कोर्स आप में क्या आएगा वो उस पर डिपेंड करेगा कि आपने मदर और फादर से कैसे ट्रेट्स लिए हैं, फादर हेट्रोजाइगस थे या मदर हेट्रोजाइगस थी, होमोजाइगस रिसेसिव थी, डोमिनेंट थी, व्हाटएवर। तो वो आप अपने टीचर से पूछ सकते हैं और खुद भी जो है फिगर आउट कर सकते हैं और डिसाइड कर सकते हैं कि कैसे वाला ट्रेट आपके अंदर आया होगा। सो यहाँ तक जो पार्ट था वो सारा मेंडल की जर्नी का था, मेंडल ने अपने टाइम में क्या क्या किया, और अब उसके बाद जो हम देखने वाले हैं वो पार्ट आएगा पोस्ट मेंडेलियन, यानी मेंडल के जाने के बाद में जो है फिर और क्या क्या रिसेंट और क्या क्या डिस्कवरीज हुई, क्या क्या जो है और अंडरस्टैंडिंग आई। थॉमस हंट मॉर्गन जो है ड्रोसोफिला मेलानोगेस्टर, जो कि एक तरह से मक्खी होती है, आप सुन भी सकते हैं यहाँ पे साउंड इन्होंने दे रखा है, ये सिस्टम मक्खी की वजह से, ये देखो सुनने में आ रहा होगा। ये जो साउंड है इसलिए दिया गया है क्योंकि उन्होंने मक्खी पे एक्सपेरिमेंट किए थे, और इनिशियली उन्होंने डिस्प्रूव करने की कोशिश की थी कि मेंडल ने जो बताया वो गलत है, बट इवेंचुअली ऐसा कुछ हुआ नहीं हम जानते हैं, और इवेंचुअली उन्हें भी एक तरह से अलाइन करना पड़ा जो कि मेंडल की थ्योरी थी। एंड इसके अलावा फिर धीरे धीरे बहुत सारी ऐसी चीज़ें निकली कि म्यूटेशंस की वजह से बहुत सारी ये जो ड्वार्फिज्म या सिस्टिक फाइब्रोसिस, एल्बिनिज्म, पॉलीडेक्टाइल, ऐसी बहुत तरह की डिजीजेस ह्यूमंस में होती है। एंड दिस वाज ऑल अबाउट कि यूरोप के अंदर जो रॉयल्टी सिस्टम था, तो हीमोफीलिया कैसे आया, तो उसका इन्होंने एक तरह से पूरा पेडिग्री एनालिसिस करके दिखाया है। इसी के साथ में जो रियल लाइफ एग्जांपल है ब्लड ग्रुप का, वो ब्लड ग्रुप भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो है ए और बी एंटीजन होते हैं, या ए एंड बी एंटीजन होते हैं, या फिर कोई एंटीजन नहीं होता, और ये स्पेसशिप टाइप का इन्होंने ऐसा मॉडल बना के दे रखा है, लगता है स्पेसशिप है लेकिन ये एक तरह से मिमिक किया गया है उस स्ट्रक्चर को, सेल के स्ट्रक्चर को, और ये अलग अलग जो आप शेप देख रहे हैं और जो अलग अलग कलर देख रहे हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि उसकी की यहाँ पे बताई गई कि किसको किसको रिप्रेजेंट करता है। ऑफ कोर्स उसके बाद में बहुत सारी और भी ऐसी चीज़ें हुई और बहुत सारी डिस्कवरी हुई। अब जैसे यहाँ पे देख सकते हैं ये इन्होंने कितने जो हैं वो बॉन्ड होंगे, ये एक तरह से जी सी तक हमारी बात पहुँच गई है कि इसमें कौन कौन से नाइट्रोजन बेसिस होते हैं, और चार नाइट्रोजन बेसिस की बात की गई है। साथ साथ में यहाँ पे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की भी बात की गई है, जो कि रिसेंटली ही मतलब कुछ साल पहले ही ख़त्म हुआ है। और यहाँ पे जो साइंटिस्ट हैं वो मेंडल पे जो है एक तरह से उन्होंने आइडेंटिफाई करने की कोशिश की रिसेंटली 2022 के अंदर ही, कि उनके जो बुक थी उसमें से हेयर निकाला गया और आइडेंटिफाई किया गया कि बेसिकली उनका जेनेटिक मेकअप वगैरह कैसा था। तो ये एक तरह से मेंडल के पार्ट पे ही वापस से उनके खुद के बाल पे और उनके खुद के स्वाब पे रिसर्च करके आइडेंटिफिकेशन का काम किया। दिस इज व्हाट इट शोज। एंड हियर कम्स द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। एज यू कैन सी पूरा हेलिकल स्ट्रक्चर है। एंड ये डीएनए के स्ट्रक्चर के लिए ये दो वॉटसन एंड क्रिक का पिक्चर जो बहुत फेमस है, और वो परिकल्पना करते हुए कि कैसा जो है हेलिकल स्ट्रक्चर होगा या स्ट्रक्चर कैसा हो सकता है, और उसी हेलिकल स्ट्रक्चर के साथ में जो हमारे हमारे जो इंडियन साइंटिस्ट थे जिन्हें नोबेल प्राइज भी मिला, उन्होंने जो कोडोन की आइडेंटिफिकेशन में हेल्प की थी वो ये देखिए कोडोन की टेबल यहाँ पर लगी हुई है, और ये इस तरह से जो हमारे अंदर एमिनो एसिड बताए जाते हैं, तो अब उनको जो है आप यहाँ से सेलेक्ट करके कि जैसे मान लीजिए ये सेरीन है तो इसमें कौन सा होगा, तो GCU, तो आप देख सकते हैं कि सेरीन कहाँ होगा, तो वो इस तरह से
यहाँ अरेंज कर सकते हैं अगर आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है तो। मेरे पास तो अभी इतना टाइम नहीं, आगे भी बढ़ना है। एंड धीरे धीरे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म आते जा रहे हैं, हम गोल्डन राइस देख रहे हैं, इंसुलिन देख रहे हैं, और उसी के साथ में यहाँ पे GMO कैसे काम करता है। तो यहाँ पे ये दिखाया गया है कि कोई सूटेबल जीन है, कोई अनसूटेबल जीन है। तो यहाँ पे न्यू हाइब्रिड बना दिए गए हैं, यानी कि जो सूटेबल जीन थे ये ओरिजिनल जीन के अंदर कैसे सूटेबल जीन को इंटीग्रेट करके आपने नए नए हाइब्रिड बना दिए। तो कलर कॉम्बिनेशन से इन्होंने दिखाने की एक तरह से कोशिश की है कि किस तरह से हम फिर सेलेक्ट कर लेते हैं कि जैसे ये इस तरह के कॉम्बिनेशन बन गए, पर फाइनली जो अनसूटेबल जीन था जैसे यहाँ पे इसको एलिमिनेट करके फाइनली जो रखा गया वो इस तरह का सेलेक्ट किया गया। सो दिस इज़ हाउ इट इज़। और आपको ये जान के बहुत हैरानी होगी और बहुत मतलब स्ट्रेंज लगेगा, मुझे तो बहुत हुई थी कि ओरिजिनली जो है आज की तारीख में हम इस तरह का जो भी स्ट्रक्चर देखते हैं वो भले तरबूज हो या फिर आलू हो या फिर मक्का या केला या फिर नींबू, वो ओरिजिनली ऐसे दिखते थे। लेकिन ये हमारे एक तरह से एंसेस्टर हैं, यानी कि मतलब इस तरह से ओरिजिनली दिखता था और धीरे धीरे जो है इस तरह से दिखना शुरू हो गया है। द फाइनल पार्ट इज जो है हम अक्सर PCR वगैरह करते हैं। सो ये जो है वो PCR का है। आई थिंक द गाय मस्ट बी कैरिमोलिस हु इन्वेंटेड PCR, और या देख लो मल्टीपल कॉपीज बन रही है। एक बार कॉपी बन जाए तो हम इलेक्ट्रोफोरेसिस करते ही हैं, और इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे, सेपरेशन करेंगे, तो अगेन साइज के हिसाब से होता है एज वी नो। तो यहाँ पे जैसे बड़ा साइज जो है पोर साइज आप देख सकते हो, काफ़ी ज़्यादा पोर है, तो बड़े बड़े मॉलिक्यूल एक तरह से अलग हो रहे हैं, और यहाँ पे रिलेटिवली कम पोर साइज है तो छोटे छोटे मॉलिक्यूल भी आ रहे हैं DNA के, और यहाँ और भी कम है तो और छोटे छोटे आ रहे हैं। और ये तो आजकल आपको मेरे लैब में भी देखने को मिल जाएगा, दीज आर वेरी बेसिक थिंग पिपेट और जितने भी फैल्कन वगैरह आप देख रहे हो। एंड दिस इज द माइक्रोस्कोप विच वी टिपिकली सी। और इसके अलावा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप नहीं है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की पिक्चर्स हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बहुत बड़ा होता है, हम उसमें नहीं जाएंगे। तो अलग अलग पिक्चर्स हैं, जैसे आप पलट के देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस इज नेटल लीफ, तो इट लुक्स समथिंग लाइक दिस इलेक्ट्रॉन इन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। एंड जैसे कि मान लो मैंने ये किया तो स्प्रूस नीडल, इट लुक्स समथिंग लाइक दिस। सो अलग अलग इन्होंने पिक्चर ऐसे यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग के लिए रख रखा है, मैरीगोल्ड फ्लावर एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो ये इसी के साथ में जो है ख़त्म होता है ये वीडियो, और यहाँ पे जो हमारा गाइडेड टूर वो भी ख़त्म होता है। सो आज के लिए इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होगी। जय विज्ञान। सो हेयर कम्स द लास्ट पार्ट ऑफ द मेंडेलियन थिंग, एंड नाउ वी विल शिफ्ट टू द नॉन मेंडेलियन थिंग, यानी कि मेंडल के जाने के बाद में